Now the session is going to start. So here is the session. भाई कहाँ गया है? छुप जाता है यार बार बार ये. आ जा भाई यहाँ पे. हाँ चलो तो शुरू करते हैं क्लोनिंग से, है ना. क्लोनिंग क्या है? इसके पहले हमने रिप्रोडक्शन के बारे में देखा, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा, और हम उसी से रिलेट कर सकते हैं इस क्लोनिंग को. यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसको कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसको कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसको कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसको कहते हैं जो बिना किसी गैमिट के फॉर्मेशन के, ठीक है, बिना किसी गैमिट के फॉर्मेशन के वो अपना यंग वन, सिमिलर टाइप ऑफ यंग वन प्रोड्यूस कर सकता है. जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टाइप ऑफ यंग वन, उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बोलो हाँ या ना. एसेक्सुअल क्या है? सिमिलर सिमिलर जेनेटिक जेनेटिक एंड मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर अगर यंग वन को प्रोड्यूस करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर है? सो क्या कह सकते हैं? जेनेटिकली जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म, सिमिलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन देखो क्लोन में भी तो यही हाल है ना. क्लोन में भी क्या होता है? एक ये सेल है नॉर्मली, उसी टाइप का जेनेटिक एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ दूसरा यंग वन प्रोड्यूस हो जाता है. ये क्या है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. और क्लोनिंग भी इसी को कहते हैं. यानी एक ही टाइप का हम मल्टीपल कॉपी अगर प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कहते हैं क्लोनिंग. उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? क्लोनिंग. फॉर एग्जांपल मिस्टर तरुण तिवारी इज टीचिंग बायोलॉजी हियर. सो हमारे जैसा एक और तरुण तिवारी अगर पैदा हो जाता है विदाउट एनी माइनर डिफरेंस, इवन इवन ए सिंगल डिफरेंस अगर नहीं होता है, जेनेटिकली भी हम लोग सेम होते, स्ट्रक्चर वाइज भी हम लोग सेम होते, वॉइस हेयर स्टाइल चलने फिरने का सब कुछ ढंग एक साथ होता, एक समान होता, वी आर कॉल्ड क्लोनिंग, वी आर कॉल्ड क्लोन्ड ऑर्गेनिज्म, है ना. यानी जेनेटिक भी सिमिलर होगा और स्ट्रक्चर भी सिमिलर होगा, है ना. उसके बाद भले वो अपना बर्थ के बाद वो अपने डेवलपमेंट करे या ना करे, इट्स डिफरेंट थिंग, बट बर्थ के वक्त दोनों क्या होंगे? एक जैसे दिखेंगे. दैट इज कॉल्ड क्लोन, दैट इज कॉल्ड क्लोनिया. सी व्हाट इज देयर? Clone refers to offspring of an organism formed by asexual method of reproduction, since they possess exact copies of the DNA of their parent clones, exhibit remarkable similarity, which means we can say they are similar, they look similar. है ना. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लोन क्लोन इज कॉल्ड क्लोनिंग. सो उस पर्टिकुलर चीज को हम क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए लुक्स एग्जैक्टली लाइक पर्सन बी एंड पर्सन बी डोंट हैव एनी जेनेटिकल जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट ट्रेट्स और कैरेक्टर्स और जीन्स. इफ दे बोथ शेयर द सेम जीन, if they both share the same genetic information, if they both share the same morphological information or morphological structure, then the B will be called as clone of A. B will be called as clone of A. हम B को क्या कहेंगे? Clone of A कहेंगे, which means A हमारा क्या है? ये इसे मिलता जुलता हू बहू एक और अगर इंसान जन्म ले लेता है, हम इसको A और A1 के हिसाब से हम लिखते हैं, ठीक है. या फिर एक और पैदा हो गया, इसी से एक और पैदा हो गया A2, इसी से किसी के जैसा एक और A3, इसी के जैसा एक और A4. तो ये सारे क्या हैं? दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू ए. सो दीज A1, A2, A3, A4, दीज आर कॉल्ड क्लोन ऑफ ए, क्लोन ऑफ ए. समझ में आया? और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? क्लोनिंग कहेंगे. फॉर्मेशन ऑफ क्लोन, मेकिंग ऑफ क्लोन इज कॉल्ड क्लोनिंग, मेकिंग ऑफ क्लोन इज कॉल्ड क्लोनिंग. समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी जेनेटिक
सिमिलैरिटीज होंगे, सिमिलैरिटीज यहाँ पे भी होंगे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है, वही होता है जेनेटिक सिमिलैरिटी, बोलो हाँ या ना। यस क्लियर है, ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या फैक्ट, फैक्ट क्या है, द फर्स्ट क्लोन्ड ऑर्गेनिज्म वाज डॉली द शीप, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डॉली, है ना, ये इस शीप का नाम क्या है, डॉली शीप है। इसके बारे में आप लोग डिटेल में कहाँ पे पढ़िएगा पता है, हम आपको बताते हैं, आप 12th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में, बायोटेक के चैप्टर में क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट को और डिटेल में पढ़ोगे, क्लोनिंग के कॉन्सेप्ट को और डिटेल पढ़ोगे, और वहां पे इस पिक्चर को पढ़ोगे और देखोगे कि ये जो क्लोन डॉली शीप है ये कहां से आया है, ये एक मेल शीप और एक फीमेल शीप से, दोनों से कुछ कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट करके इसको बनाया गया था, ठीक है, इसको बनाया गया था डॉली को, ठीक है। और ये डॉली दुनिया का सबसे पहला पहला ऑर्गेनिज्म है क्लोनिंग का, ठीक है, इंसान पे क्लोनिंग बैंड नहीं तो आज तक इंसान पे कभी क्लोन बन गया होता, ठीक है, ये इलीगल है, इंसान पे कोई रिसर्च करके इंसान का क्लोन बनाना इलीगल है, इसीलिए बचाए हुए, नहीं तो इंसान का भी क्लोन अब तक बन गया होता, ठीक है, क्योंकि उसके बहुत सारे इविल इफेक्ट, इल इफेक्ट भी हो सकते हैं इंसान के बनाने का, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं बनाया जा रहा है और लीगल भी नहीं है, है ना, बहुत दिन तक हमारे उस इंसान को पता नहीं, उस इंसान के साथ जिसका क्लोन बनाना होगा क्या क्या बर्ताव किया जाएगा, है ना, इसीलिए इंसान को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, इसीलिए उसको बैन कर दिया गया, इलीगल है। एनीवेज तो ये जो हमारा डॉली शीप है ये क्या है, डॉली शीप इज द फर्स्ट क्लोन्ड ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन में आता है, ठीक है, डॉली शीप। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे क्लोनिंग, ठीक है, तो यहाँ पे अब नोट कर लीजिए, आई मीन समझिएगा, दिस पर्सन, दिस इज द पर्सन हु स्टार्टेड क्लोनिंग, हु डिड दिस क्लोनिंग, ठीक है, हु डिड दिस क्लोनिंग, आयन विल्मट, इसीलिए फादर ऑफ क्लोनिंग इनको कहा जाता है, ठीक है, आयन विल्मट ने किया था, शुरू किया था क्लोनिंग, और पहला क्लोनिंग उन्होंने किया था डॉली शीप पे, ठीक है। आयन विल्मट ने क्या किया, आयन विल्मट ने और उनके कलीग्स लोगों ने, कलीग यानी उनके जो साथ में जो रिसर्च करते थे वो लोग, ठीक है, किस यूनिवर्सिटी में, रोसलिन इंस्टीट्यूट, ठीक है, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में, ठीक है, उन्होंने क्या किया, स्कॉटलैंड में रहते थे तो स्कॉटलैंड में, ठीक है, एडिनबर्ग नाम के जगह पे, ठीक है, एडिनबर्ग यानी एडिनबर्ग में, जैसे स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग है वहां पर रोसलिन इंस्टीट्यूट है, उस रोसलिन इंस्टीट्यूट में उन्होंने क्या किया, अपने कुछ कलीग्स के साथ मिलकर, अपने कुछ काम करने वालों के साथ मिलकर, ठीक है, उसी फील्ड में जो काम करते थे उनके साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, डॉली शीप को क्लोन कर दिया। डॉली का जन्म कब हुआ था, 5 जुलाई 1996 में हुआ था और 14 फरवरी को मर गई, 14 फरवरी 2003 को वो क्या हो गई, मर गई। ऐसे इसके पहले बहुत सारे और भी क्लोन्स बनाए गए लेकिन वो ज्यादा दिन तक जी नहीं पाई, डॉली ही ऐसा है जो ये इतना साल तक जिंदा रही, ठीक है, 4-3-7 साल ये जिंदा रही, 7 years, ठीक है, 6 years और कुछ महीना जिंदा रही डॉली। कैसा बना, तो स्कॉटिश ब्लैक फेस, ये इसमें से साइटोप्लाज्म लिया गया और फिन डॉर्सेट शीप से न्यूक्लियस लिया गया, दोनों को फ्यूज कर दिया गया, फ्यूज करके एक सेल बनाया गया, उसको सेल को क्या किया गया, उस सेल को मल्टीप्लाई किया गया, उस सेल को इम्प्लांट किया गया, ठीक है, इम्प्लांट किया गया सरोगेट ईव में, और वो जो बच्चा जब बाहर निकला तो वो बन गया डॉली। समझ में नहीं आया ना, फिर से बताते हैं, स्कॉटिश ब्लैक फेस नाम का एक एक शीप को लिया गया और फिन डॉर्सेट नाम का एक शीप को लिया गया, ठीक है, यहां से क्या लिया गया, साइटोप्लाज्म, यहां से क्या लिया गया, न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ के जो न्यूक्लियस है उठाकर इस साइटोप्लाज्म में डाल दिया गया, यानी एक सेल को बना दिया गया,
और उस सेल को क्या किया गया, सेल को मल्टीप्लाई करवाया गया, क्या करवाया गया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और वो बन गया ब्लास्टोसिस्ट। यही वो कंडीशन है ब्लास्टोसिस्ट, जबकि क्या होता है यूटेराइन कैविटी में, ठीक है हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ये मान के चलिए क्या है, ये यूट्रस है, ठीक है फीमेल का यूटेराइन कैविटी है और ये वजाइना है, ठीक है क्या है, वजाइना, समझ में आ रहा है, यूटेराइन कैविटी ये क्या है, यही है आपका यूटेराइन कैविटी और उसके बाद ये है वजाइना, ठीक है, और ये है सर्विक्स। यहीं पे सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त पेनिस आता है और यहीं पे इजैकुलेशन होता है सीमन का और सीमन पास होता है, उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस होने के बाद फैलोपियन ट्यूब से हम दिखाएंगे आपको, ठीक है ये फैलोपियन ट्यूब से एक निकल कर आता है डिवाइड होते होते और यहाँ पे आते आते इस कंडीशन इस स्टेज में फॉर्म हो जाता है, ठीक है किस स्टेज में, इस स्टेज में, समझ में आ रहा है, ये जो हमारा स्टेज है यहाँ पे इस स्टेज में, और फिर क्या हो जाता है स्टेज में फॉर्म होने के बाद यहाँ पे किसी कोने में ये इम्प्लांट हो जाता है और उसके बाद धीरे 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 बेबी का डेवलपमेंट इसमें होने लगता है, धीरे धीरे क्या होने लगता है, धीरे धीरे बेबी का डेवलपमेंट इसके अंदर होने लगता है और बेबी बन के बाहर निकल आता है और ये बन गया डॉली, समझ में आ रहा है। तो ये था क्लोनी का कहानी, ठीक है क्या था, क्लोनिंग का कहानी डॉली शिप का, समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना, माइक खोलो और बोलो हाँ या ना, आ गया सर, यस सर, यस सर, सब सोए नहीं थे, हमें लगा कि शांत शांत है सब सो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये है नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन या फिर हम कह सकते हैं कि एनिमल रिप्रोडक्शन, और उस एनिमल या ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे दो चीज का रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं हमने ऑलरेडी देख लिया, अब रिप्रोडक्शन में जो एनिमल रिप्रोडक्शन है, ठीक है एनिमल, इसमें दो कैटेगरी है, दो पार्ट है, ठीक है दो कैटेगरी है, एक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा है फीमेल, और ये किसमें आता है, ये आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, किसमें आता है, ये आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अभी तक जितना भी हुआ था ये सेक्सुअल था, लेकिन ये जो मेथड है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, कौन सा मेथड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है हम लोग एंटर कर चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, जहां पे गैमीट बनता है, तो ये क्या है, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्यों इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म होता है गैमीट, यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, फॉर्म होता है गैमीट, ठीक है, और मेल भी क्या करता है, एक गैमीट बनाता है, फीमेल भी एक गैमीट बनाता है, और दोनों क्या हो जाते हैं, फ्यूज होकर बनाते हैं जाइगोट, और वही जाइगोट धीरे 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 डेवलप होकर क्या बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ठो वो पेरेंट रहते हैं, हाँ दो ठो पेरेंट रहते हैं, ठीक है एक ठो मेल रहते हैं और एक ठो फीमेल रहते हैं, ठीक है एक ठो मेल रहेंगे और एक ठो, दोनों मेल नहीं रह सकते और दोनों फीमेल भी नहीं रह सकते, एक ठो मेल होना चाहिए और एक ठो फीमेल होना चाहिए, ठीक है और कुछ, तो ये मेल ने एक गैमिट बनाया, फीमेल ने एक गैमिट बनाया, ठीक है और दोनों ने मिलकर क्या बनाया, दोनों ने मिलकर बनाया जाइगोट, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, अंशोल स्क्रीन पे कुछ मत लिखिए, ठीक है दोनों ने बनाया जाइगोट, और जाइगोट डेवलप होकर क्या बना, छोटी सी स्वाति सलोनी, ठीक है या छोटा सा तरुण तिवारी, है ना यहाँ पे बन के तैयार हो गया, राइट या कोई भी नॉर्मल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बन के तैयार हो गया, ठीक है तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी इसमें दो सेक्स, टू सेक्स इन्वॉल्व होंगे, और सेक्स का मतलब होता है जेंडर, मेल और फीमेल, उसको हम क्या कहते हैं, सेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सेक्स कहते हैं, सेक्स यानी जेंडर, मेल या फिर फीमेल, सो टू सेक्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी एक मेल और एक फीमेल यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, और इसीलिए इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो मेल कहाँ होता है, पेल्विक रीजन में होता है, ठीक है पेल्विक रीजन, चलो
पेल्विक रीजन का मतलब क्या होता है, कहाँ होता है ये पेल्विक रीजन, तो ये समझने के लिए हमें पूरे शरीर को जानना जरूरी है। शरीर का मतलब अलग अलग रीजन का नाम क्या है। तो पहले बात आता है खोपड़ी का, जिसके पास है उसको हम कहते हैं ये क्रेनियल कैविटी, खोपड़ी, इसको हम क्या कहते हैं, क्रेनियल कैविटी कहते हैं। उसके बाद आता है गर्दन, ठीक है, उसके बाद आता है छाती, उसके बाद आता है छाती जिसको हम कहते हैं थोरासिक कैविटी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं थोरासिक कैविटी। फिर आता है ये क्या है, पेट, इसको हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। फिर आता है यहाँ पे पेल्विस, ठीक है, यहाँ पे आता है पेल्विस, ठीक है, क्या है ये पेल्विस रीजन है, इसी को कहते हैं पेल्विस रीजन, यानी लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन से नीचे निचला हिस्सा, उसको हम कहते हैं पेल्विक रीजन। क्या कहते हैं, पेल्विक रीजन। पहला है क्रेनियल, दूसरा है थोरासिक, तीसरा है एब्डोमिनल, चौथा है पेल्विक रीजन। इस रीजन को हम कहेंगे पेल्विक रीजन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हिप है, ठीक है, तो इसी रीजन को हम कहते हैं पेल्विक रीजन, ठीक है, समझ गए। तो ये मेल हो या फीमेल हो, दोनों कहाँ रहता है, पेल्विक रीजन में रहता है, दोनों कहाँ रहता है, पेल्विक रीजन में रहता है। मेल का जो पार्ट है ये बाहर हैंग करता है और फीमेल का पार्ट बाहर हैंग नहीं करता है, ठीक है। चलो, दोनों का लेकिन फंक्शन क्या होता है, मेल का फंक्शन होता है, मेल का फंक्शन होता है मेल गैमेट को प्रोड्यूस करके फीमेल तक पहुंचा देना, ठीक है, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करके क्या करना, फीमेल तक पहुंचा देना, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन होता है। फीमेल का क्या फंक्शन होता है, फीमेल का फंक्शन होता है एग को प्रोड्यूस करना, जहां पे ये स्पर्म यानी हमारा जो मेल गैमेट है ये पेल्विक रीजन में प्रोड्यूस हो जाता है, क्या, मेल गैमेट, और ये कहां हो जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू ये पहुंच जाता है फीमेल में। और फीमेल का क्या होता है, फीमेल में भी फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं और ये वहीं पे रहते हैं, इसको मेल गैमेट आकर क्या करते हैं, मेल गैमेट आकर फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। अब ये बात है, मेल गैमेट है, मेल गैमेट है उसको हम क्या कहेंगे, स्पर्म, और फीमेल गैमेट को हम क्या कहेंगे, फीमेल गैमेट को हम कहेंगे ओवम। तो अब ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्पर्म है इस ओवम से जो मिलता है तभी जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा होता है, मतलब शुरू होता है कह सकते हैं, ठीक है, तो इनिशिएशन है पूरा बच्चा प्रेगनेंसी का, ठीक है, तो शुरुआत है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है, मेल गैमेट यानी स्पर्म को प्रोड्यूस कर फीमेल के रिप्रोडक्ट देता है। उसके बाद फीमेल क्या करती है, फीमेल ओवम बनाती है और ओवम बनाने के बाद ये स्पर्म के साथ जुड़कर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करती है, ठीक है, ये दोनों का, समझ में आया, बोलो हाँ या ना। यस सर। सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? नो सर। ओके ओके, आगे बढ़ते, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। पहले एक काम करते हैं, इसको देखेंगे ना तो बहुत टेंशन हो जाएगा हमें, ठीक है, समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। एक काम करते हैं, एक ब्लैंक शीट लेते हैं, चलो एक ब्लैंक शीट है ना, इस ब्लैंक शीट पे हम बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फिर समझाते हैं, ये तो आंसर आ गया आपको, एनीवेज हम यही पे समझाते हैं आपको, है ना। चलो, तो क्या होता है कि मेल में, पहला तो मेल हो या फीमेल हो, मेल हो या फीमेल हो, कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, तो मेल के पार्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं। मेल के पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पेनिस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, पेनिस होता है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, पेनिस के बाद होता है यूरेथ्रा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, यूरेथ्रा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसके बाद अगर अंदर बढ़ते हैं तो स्क्रॉटम होता है, उसके बाद अगर हम अंदर बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक और पार्ट होता है जिसको हम कहेंगे टेस्टिस, इसके बाद हम और अंदर बढ़ते हैं तो वास डिफरेंस, इसके बाद थोड़ा और अंदर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, मिनरल वेसिकल पहले आएगा,
आएगा सेमिनल वेसिकल, उसके बाद आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर आएगा कॉपर ग्लैंड। तो ये सारे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। नहीं समझ में आ रहा है, रुकिए हम फिर से स्टार्टिंग से साइड से लिखते हैं। पहला पार्ट आएगा पेनिस, पेनिस के बाद आएगा आपका यूरेथ्रा, ठीक है क्या आएगा यूरेथ्रा, उसके बाद आएगा आपको स्क्रॉटम इज इम्पोर्टेंट, स्क्रॉटम, उसके में आएगा टेस्टिस, और फिर उसमें आएगा वास डेफरेंस, वास डेफरेंस, फिर वास डेफरेंस के बाद आएगा आपको क्या, हाँ वास डेफरेंस के बाद आएगा आपको किसको, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल के बाद आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर उसके बाद आएगा आपको काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। तो ये कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इसको नोट कर लीजिए सब। आई होप स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। चलो अब यहां पे देखते हैं। देखो ये जो हमारे फर्स्ट पार्ट है, जैसे जैसे हमारा जो फर्स्ट जो बाहर की तरफ हमारे बॉडी से बाहर हैंग करता है, ये है पेनिस। क्या है जो बाहर हैंग कर रहा है, ये क्या है, ये है पेनिस, ठीक है। बाहर लटकने वाला क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है ये हमारे बॉडी का, बॉडी से बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होता है, हम इसको कहते हैं पेनिस, और यही है इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ योर मेल, मेल का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और इसको हम कहते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन। हम इसको क्या कहते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। क्यों हम इसको कॉपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं पेनिस को, क्योंकि ये कॉपुलेशन में मदद करता है, कॉपुलेशन। अब आप लोग पूछोगे कि सर व्हाट इज कॉपुलेशन, तो कॉपुलेशन का मतलब होता है कोइटस। फिर पूछोगे सर व्हाट इज कोइटस, फिर हम कहेंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल, सेक्सुअल इंटरकोर्स, हम उसी को क्या कहेंगे, कोइटस कहेंगे। और सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी सेक्सुअली इन्वॉल्व होना, सेक्स करना, ठीक है। जैसे प्रेगनेंसी के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स का, तो वो यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक है। सो ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है, यानी यही वो ऑर्गन है जिससे हम कॉपुलेशन यानी सेक्स कर सकते हैं, विच मीन सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप हम जनरली उसको कहें तो बायोलॉजिकल टर्म में फिजिकल रिलेशनशिप या सेक्सुअल इंटरकोर्स कहा गया है, ठीक है। जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं, और बायोलॉजिकली हम इसको कॉपुलेशन या कोइटस कहते हैं, ठीक है, कॉपुलेशन या फिर क्या कहते हैं, कोइटस कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द फर्स्ट कॉपुलेटरी ऑर्गन विच एंटर्स इनटू वजाइना, विच एंटर्स इनटू वजाइना, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो येलो कलर का ट्यूब दिख रहा है ना, येलो कलर का इसके अंदर जो ट्यूब दिख रहा है यहाँ पे गया है, यही ट्यूब है यूरेथ्रा, यही ट्यूब क्या है, हमारा यूरेथ्रा है, क्या है, यूरेथ्रा। हमारे जो पेनिस होते हैं, पेनिस के जो ऊपर का जो स्किन होता है ना, पेनिस के ऊपर में स्किन होता है, उसके अंदर में मसल होती है, लेकिन उसके ऊपर में चमड़ा होता है, स्किन होता है जो उसको कवर करके रखता है, हम उसको कहते हैं फोर स्किन। क्या कहते हैं, हम उसी को कहते हैं आपका फोर स्किन। बोलो समझ में आ रहा है। उसके बाद ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे यूरिन स्टोर रहता है। ये रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, ये यूरिन का पार्ट है, यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, यूरिन स्टोर करके रखने वाला ये पार्ट है, इसको हम कहते हैं ब्लैडर या फिर यूरिनरी ब्लैडर, इसका पूरा नाम है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यानी यूरिन को स्टोर करने वाला,
यूरिन को क्या करने वाला, स्टोर करने वाला. कैसा, कैसे होता है ये, क्यों होता है, मतलब कैसे ये यूरिन को स्टोर करेगा या कहाँ कनेक्टेड होता है. तो आपका जो पेट होता है, जैसे मान के चलो कि ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका पेट है ठीक है, और ये है पेल्विक रीजन. क्या है? पेल्विक रीजन है ठीक है. ये क्या है? दिस इज द पेल्विक रीजन ठीक है. पेट है, यहाँ पे क्या है हमारा क्या बोलते हैं आपको, नेवल है ठीक है. तो हमारा जो किडनी होता है करीब यहाँ पे होता है किडनी ठीक है. क्या होता है? किडनी होता है. क्या होता है? किडनी होता है. सॉरी थोड़ा सा उल्टा बन गया, उल्टा ये मतलब ये नीचे की तरफ होगा और ये ऊपर की तरफ होगा ठीक है. किडनी होता है तो यहाँ पे होता है क्या, स्लाइटली ऊपर होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है ठीक है, हल्का सा ऊपर होता है. हाँ चलो, तो ये हो गया आपका किडनी. किडनी कहाँ रहता है? यहीं पे रहता है. और किडनी से निकलता है एक दो ट्यूब, और वो ट्यूब जो है वो कनेक्टेड होता है यूरिनरी ब्लैडर में. कहाँ कनेक्टेड होता है? यहाँ पे, दोनों तरफ से यहाँ पे कनेक्टेड रहता है किडनी से आने वाले ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में. और यूरिनरी ये तो क्या, क्यों? क्योंकि हमारा किडनी का फंक्शन क्या होता है, किडनी का फंक्शन होता है, हम फिर से बताते हैं आपको. हमारा मान के चलो कि ये हमारा एक किडनी है और ये हमारा दूसरा किडनी है. दोनों किडनी कहाँ आकर मिलता है? दोनों किडनी का जो ट्यूब है आकर मिलता है यूरिनरी ब्लैडर में. ये आपका हो गया यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे आके ज्वाइन हो जाता है ठीक है. और यूरिनरी ब्लैडर के बाद आता है यूरेथ्रा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से ऐसे गया है, फिर यहाँ से ऐसे आया है, फिर यहाँ पे आ गया है. ये हम किसको कहेंगे? यूरेथ्रा ठीक है. तो ये क्या है? ये हमारा यूरेथ्रा है. समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, ये किडनी का फंक्शन क्या होता है, किडनी का फंक्शन होता है, किडनी का फंक्शन होता है तो फिल्टर ब्लड, और ब्लड में जितना भी वेस्ट होता है उसको यूरिन बनाकर बाहर निकाल देता है, और ये यूरिनरी ब्लैडर में आकर स्टोर होता है ठीक है. यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, आके स्टोर हो जाता है. तो यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, इट होल्ड यूरिन, इट होल्ड्स यूरिन. यूरिनरी ब्लैडर क्या करते हैं, इट होल्ड यूरिन. और यूरिनरी ब्लैडर से ही निकलता है हमारा यूरेथ्रा. ये क्या है? यूरेथ्रा. और ये ऐसा एक ट्यूब होता है, ये एक ऐसा ट्यूब होता है जहां से यूरिन, ये यूरिन पास करने में मदद करता है ट्यूब. इसी ट्यूब के थ्रू यूरिन हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं. ये क्या है? यूरेथ्रा. और ये पेनिस में क्यों है? क्योंकि यही वो ऑर्गन है, यही वो डक्ट है, यही वो ट्यूब है जहां से स्पर्म भी निकलते हैं. क्या निकलते हैं? स्पर्म. यानी यूरिन प्लस स्पर्म, ये दोनों कहां से निकलते हैं? एक ही जगह से निकलते हैं, दैट इज यूरेथ्रा. यही ले आते हैं और पेनिस से ही निकलते हैं, पेनिस से ही निकलते हैं ठीक है. आप लोगों को पता होगा ये कॉमन डक्ट होता है, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा पहले, नहीं पढ़ा है तो ठीक है अभी जान लीजिए. दोनों का जो निकलने का जो रास्ता होता है, चाहे वो स्पर्म हो चाहे वो यूरिन हो, दोनों का निकलने का रास्ता क्या होता है? सेम होता है आपका पेनिस. यानी ये यूरेथ्रा से ही निकलता है और पेनिस के थ्रू बाहर निकल आता है ठीक है. समझ में आ रहा है? यहाँ पे समझ गए कि नहीं समझ गए? अलग अलग हम पार्ट्स का यहाँ पे हम फंक्शन बता रहे हैं ठीक है, कि अलग अलग पार्ट्स करता क्या है यहाँ पे ठीक है. इंपॉर्टेंट है इसलिए हम आपको बता रहे हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, अभी तक समझ में आया? नहीं समझ में आया किसी को? नहीं रहा है सर? थोड़ा थोड़ा आया है. थोड़ा ही थोड़ा आया है? अच्छा, बाकी किसी को कुछ भी समझ नहीं आया? नो सर. ओके ठीक है, फिर से समझाते हैं. रिपीट. हाँ हाँ, फिर से बताते हैं. कैसे बताएं? तो यस, एक चीज हम आपको करते हैं. यहाँ पे देखिए, आपको हम बता रहे हैं. पहले तो क्या होता है ना, हमारे हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद और खाना खाने के बाद सारा जो मटेरियल है कहाँ जाता है? खून में जाता है, ब्लड में जाता है, मिक्स हो जाता है.
और ब्लड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, सब कुछ होता है, तो ब्लड अशुद्ध हो जाता है। तो ब्लड को शुद्धिकरण के लिए, ब्लड ब्लड जो है फिल्टर करने के लिए, फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपके नल में पानी आ रहा है और नल में कोई गंदगी हो सकता है, तो फिल्टर करने के लिए हम घर में आरओ लगाते हैं। तो आरओ क्या करता है, फिल्टर करके शुद्ध पानी हमें देता है। सिमिलरली और जो कचरा होता है उसको बाहर फेंक देता है। सिमिलरली हमारे जो ब्लड, हमारे बॉडी में ब्लड को फिल्टर करने के लिए क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करने के लिए होता है आपको किडनी, क्या होता है, किडनी होता है जो ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है, फिल्टर करके जो प्यूरिफाई करके जो कचरा होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। ये काम होता है किडनी का। किडनी क्या करता है, किडनी क्या करता है, किडनी कचड़े को निकालता है और यूरिन के थ्रू, यानी यूरिन क्या होता है, यूरिन जो हम डेली यूरिन पास करते हैं ना, यूरिन पास करते हैं नहीं करते हैं, यूरिन पास करते हैं डेली, क्या हर 2-3 घंटे पे हम लोग यूरिन करने जाते हैं, ये नॉर्मल होता है, ठीक है। तो यूरिन पास करते हैं, यूरिन में क्या निकलता है, वाटर निकलता है यूरिन में, यूरिन में यूरिया निकलता है यूरिन में, यूरिन में सम अमाउंट अगर शुगर है तो ग्लूकोज भी निकल सकता है, शुगर नहीं है तो ये नहीं निकलेगा। उसके बाद इसमें और भी बहुत सारे मटेरियल्स निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या होता है, ये हमारा वो यूरिन से निकलता है। ड्रग्स जो हम लोग दवा अगर लिए हैं उसका जो वेस्ट है वो बाहर निकलता है इसके थ्रू। कुछ और भी सब्सटेंसेस जो कि हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं, हानिकारक हो सकते हैं, उन सबको क्या करता है, उन सबको हमारा किडनी फिल्टर करके यूरिन के थ्रू क्या करता है, बाहर भेज देता है। यहां तक समझ में आया? यस सर। ओके, जब किडनी यूरिन के थ्रू बाहर भेजेगा तो ये मान के चलो कि हमारा एक किडनी का ट्यूब है और एक किडनी का ये ट्यूब है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है इस तरह से, ठीक है, ट्यूब है। ये दोनों ट्यूब में से क्या निकल रहा है, दोनों ट्यूब में से निकल रहा है येलो डर्टी फेलो यूरिन, यहाँ से भी निकल रहा है यूरिन। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा और स्टोर हो जाएगा इस यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, है ना, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। क्या है ये है आपका यूरिन जो यहाँ पे इसके थ्रू आया है, इसके थ्रू यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में एंटर किया है। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के बाद, यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पे, उसके बाद क्या है ये है यूरेथ्रा, ये क्या है, ये है यूरेथ्रा जो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड है। बोलो हाँ या ना, कनेक्टेड है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कनेक्टेड है कि नहीं है, कनेक्टेड है, तो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड है। हाँ, तो क्या करता है, यहाँ पे जब यहाँ पे यूरिन आता है, यूरिन आकर यहाँ पे भर जाता है, ठीक है, क्या होता है, जब यूरिन आकर पूरी तरीके से यहाँ पे भर जाता है तो ये यूरिन यहाँ से निकलता है, ठीक है, यहाँ से क्या करता है, निकलता है और फिर ये पास करता है कहाँ, पेनिस के थ्रू बाहर निकल आता है यूरिन। पेनिस के थ्रू क्या होता है, यूरिन बाहर निकलता है। किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर लीजिए, ठीक है। जिस रास्ते से ये यूरिन निकल रहा है, ये जो ट्यूब है जिस रास्ते से निकल रहा है, इस ट्यूब को यूरेथ्रा कहते हैं। इस ट्यूब को क्या कहते हैं, इस ट्यूब को हम कहते हैं यूरेथ्रा। अब समझ में आया? सर। हाँ। yes, और sir. ओके, उसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमारा मेल क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल प्रोड्यूस करेगा गैमीट। मेल क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमीट प्रोड्यूस करेगा। तो ये गैमीट क्या है, हमने बताया स्पर्म, गैमीट क्या है, स्पर्म है, ठीक है, गैमीट है हमारा स्पर्म। तो ये स्पर्म भी कहां से निकलेगा, तो ये यूरिन के थ्रू, ये यूरिन जो रास्ते से, जिस रास्ते से यूरिन निकल रहा है उसी रास्ते से हमारा स्पर्म भी निकलेगा, ठीक है, उसी रास्ते से क्या निकलेगा, हमारा स्पर्म भी निकलेगा। यानी कहां से निकलेगा, ये यूरेथ्रा से निकलेगा, कहां से, यूरेथ्रा से। समझ में आ रहा है, ये हमारा यहाँ पे, सो दिस इज द, दिस इज व्हाट, दिस इज योर यूरेथ्रा,
सो इस यूरेथ्रा से अभी कुछ देर पहले क्या पास हुआ था, इसी यूरेथ्रा से अभी कुछ देर पहले पास हुआ था यूरिन, और इसी यूरेथ्रा से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान यहां से पास, यहां से निकलता है स्पर्म विथ बहुत सारे और भी फ्लूइड के साथ मिलकर ये निकलते हैं, जिसको हम कहते हैं सीमेन। यहां से क्या निकल रहे हैं, सीमेन निकल रहे हैं, ठीक है। दोनों के लिए रास्ता क्या है, रास्ता एक ही है यूरेथ्रा, दोनों के लिए रास्ता क्या है, एक ही है यूरेथ्रा। समझ में आ गया अब? यस सर। पक्का सबको समझ में आ गया, नकी नहीं आया? अभी जिस रास्ते से यूरिन निकला था, किस रास्ते? आ गया, समझ में आ गया सर। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया। ओके ओके आगे बढ़ते हैं। तो फोरस्किन क्या है, फोरस्किन जो पेनिस के ऊपर में कवर होता है, कवर करता है। फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, ये है पेनिस, दिस इज द पेनिस, ऑलराइट। ये क्या है, दिस इज योर पेनिस, और यहाँ पे इसके ऊपर में जो, इसके ऊपर में जो स्किन रहता है, ये जो स्किन है इसको कवर करके, इस स्किन को हम क्या कहते हैं, फोरस्किन कहते हैं, ठीक है। Got my point? तो this is your foreskin, this is the foreskin, यानी foreskin उसके outer चमड़ी को कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब बात और कुछ गंभीर और थोड़ा सा difficult चीज यहाँ पे आने वाला है। अब हमारे पास, हमको पता है कि हमारे पास ऐसे bag like structure होते हैं जो penis के पास लटकते रहते हैं, body के बाहर project रहते हैं। बोलो yes or no? इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है ऐसे बॉडी के साथ अटैच रहता है ना, ऐसे बॉडी के साथ अटैच रहता है, और फिर आता है यहाँ पे पेनिस ऐसे लटका रहता है। सो ये जो पीछे में आपका, ये जो पीछे में ये जो दो बैग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं, स्क्रोटम, बैग लाइक स्ट्रक्चर। सिर्फ स्किन, स्किन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं हम, सिर्फ हम स्किन की बात कर रहे हैं, नॉट योर टेस्टिस, नॉट योर टेस्टिस, which means ये जो यहाँ पे इस तरह से bag like structure है, ठीक है, जो body के साथ attach है, इस bag like structure को क्या कहेंगे, scrotum कहेंगे। अब इस scrotum में दोनों तरफ एक एक छोटा छोटा क्या रहता है, testis रहता है। क्या रहता है, एक एक छोटा छोटा, एक एक छोटा छोटा क्या रहता है, testis। क्या है ये, testis, समझ में आ रहा है। दो बॉल लाइक स्ट्रक्चर, दो बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं दोनों तरफ स्क्रॉटम में, और उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं टेस्टिस, उसको क्या कहेंगे, टेस्टिस। और यही वो जगह है जहां पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है। समझ में आ रहा है, स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है, आंसर दीजिए तो, स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है, टेस्टिस, टेस्टिस में होता है, ठीक है। चलो टेस्टिस कहाँ पे होता है, किसके अंदर होता है बताइए तो, स्क्रोटम, स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर। ओके, स्क्रोटम क्या है, एक तरह का स्किन, हाँ, बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये बैग है, स्किन का बैग है, ठीक है, बैग ऑफ स्किन, ठीक है, जिसके अंदर क्या रहता है, टेस्टिस रहता है, ठीक है, पेयर 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 में रहता है, यानी दो बैग रहता है एक दूसरे से कनेक्टेड। चलो समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है, जब स्पर्म का प्रोडक्शन इस टेस्टिस में हो जाता है, ठीक है, तो इसके थ्रू यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक पीला पीला सा गया है, यहाँ पे एक पीला पीला सा गया है, ये जो हमारा पीला पीला सा गया है, इसके थ्रू ये जाकर कहाँ स्टोर हो जाएगा, इसको हम कहते हैं स्पर्म डक्ट या फिर वास डेफरेंस। हमने लिखवाया था वास डेफरेंस, उसको हम कहते हैं वास डेफरेंस या स्पर्म डक्ट,
ठीक है, स्पर्म डक्ट भी कह सकते हैं, यानी स्पर्म जो टेस्टिस में प्रोड्यूस हो रहा है, इस टेस्टिस में जो प्रोड्यूस हो रहा है एक ट्यूब के थ्रू, ठीक है, एक ट्यूब के थ्रू जा रहा है, कहां पे जाकर रुकेगा, तो यहाँ पे आपको एक ग्लैंड, एक बैग होगा जिसको हम कहेंगे सेमिनल वेसिकल, वहां पे जाके ये रुक जाएगा, वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा, और फिर वहीं से क्या होगा, ये यूरेथ्रा के, ये इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू यूरेथ्रा में जाएगा, और यूरेथ्रा से ये पेनिस के थ्रू बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो ये वास डेफरेंस कहेंगे हम इसको, या हम क्या कहेंगे, स्पर्म डक्ट कहेंगे, कहां से, टेस्टिस से जो स्पर्म लेकर ले जाता है उसको हम क्या कहेंगे, स्पर्म डक्ट या फिर वास डेफरेंस, क्या कहेंगे, वास डेफरेंस या फिर डेफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट, क्या कहेंगे, स्पर्म डक्ट, क्या कहेंगे, स्पर्म डक्ट, ठीक है। चलो समझ में आ गया। उसके बाद एक छोटा सा ग्लैंड भी होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ये कुछ फ्लूइड सेक्रीट करता है, ठीक है, जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये कुछ फ्लूइड सेक्रीट करता है, उसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके अलावा एक और ग्लैंड रहता है जिसको हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, ये क्या करता है, ये म्यूकस सेक्रीट करता है, क्या करता है, म्यूकस सेक्रीट करता है, ये पानी लाइक पानी जैसा सब्सटेंस होता है जिससे हमारा स्पर्म जाए, स्पर्म मर ना जाए, की कमी ना हो जाए, इसी म्यूकस सेक्रीशन यहाँ पे होता है काउपर्स ग्लैंड से। ठीक है, यहाँ पे उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए एसिडिक होने से बचाता है हमें स्पर्म को काउपर्स ग्लैंड, और ये क्या सेक्रेट करता है, ये सेक्रेट करता है म्यूकस। तो हमारे पास दो ग्लैंड है, एक है प्रोस्टेट ग्लैंड और दूसरा क्या हमने देखा, काउपर्स ग्लैंड हमने देखा, तो काउपर्स ग्लैंड होते हैं। ये डिटेल में पढ़िएगा टेंथ में, अभी इसकी डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, टेंथ स्टैंडर्ड में, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में, दोनों क्लास में आपको ये बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है, एवरीथिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त, ठीक है। चलो तो क्या देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम कहेंगे वजाइना, ये कहाँ रहता है, ये भी रहता है पेल्विक कैविटी में, ये भी कहाँ रहता है, ये भी रहता है आपके पेल्विक कैविटी में, ठीक है, पेल्विक कैविटी में रहता है, और दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड वजाइना, दिस पार्ट इज कॉल्ड वजाइना, ये क्या है, ये वजाइना है। उसके बाद वजाइना से अंदर जैसे एंटर करता है ये वाला रीजन, ठीक है, दिस इज द रीजन, दिस इज कॉल्ड सर्विक्स, दिस इज कॉल्ड छोटा सा एरिया, हम इसको कहेंगे सर्विक्स, ठीक है, ये हमेशा क्या रहता है, ये सर्विक्स बंद रहता है, क्या रहता है, बंद रहता है। जब स्पर्म रिलीज होता है और जब यहां से एग रिलीज होता है या यहां से एग रिलीज होता है, तब ये जो है इसका इसका जो थिकनेस है ये कम हो जाता है, इसका थिकनेस क्या हो जाता है, जैसे ही एग रिलीज होगा यहां से, यहाँ पे थिकनेस इसका कम हो जाएगा, और जो स्पर्म यहाँ पे, क्योंकि ये वजाइना है और हमने कहा था स्पर्म यहीं पे आकर डिपॉजिट होते हैं, जब पेनिस, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे पेनिस क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे एंटर करेगा यहाँ तक, और यहाँ पे स्पर्म को रिलीज कर देगा, क्या कर देगा, स्पर्म रिलीज करेगा, और ये स्पर्म एंटर करेगा अंदर की तरफ और दोनों रीजन में मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है, और दोनों रीजन में कहीं भी अगर इसको ओवम दिख गया, जाकर वहां पे फर्टिलाइज इसको कर देगा, क्या कर देगा, इसको फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है। तो जो स्पर्म का डिपॉजिट होना होता है वो कहां होता है, वजाइना में, सो दिस इज द, यहां से लेकर इस पूरे रीजन को हम वजाइना कहते हैं, क्या कहते हैं, इस पूरे रीजन को हम वजाइना कहते हैं, और यहीं पे स्पर्म का रिलीज होता है, स्पर्म का रिलीज होता है, और कौन रिलीज करता है, फिर से बताइए, रिलीज करता है आपका पेनिस,
क्या रिलीज करता है? पेनिस रिलीज करता है. सो पेनिस क्या करेगा यहाँ पे वजाइना में, है ना, हमारा पेनिस क्या करेगा, पेनिस हमारे वजाइना में स्पर्म का रिलीज कर देगा. जैसे वजाइना में स्पर्म का रिलीज ये करता है, स्पर्म माइग्रेट करने लगेगा, मूव करने लगेगा, आगे की तरफ जाएगा. लेकिन आगे की तरफ जाने के लिए ये एंट्री पॉइंट उसको खुल जाना चाहिए. इसका एंट्री पॉइंट ये क्या है? सर्विक्स. ये क्या है? सर्विक्स. समझ में आ रहा है? सर्विक्स पहले क्या रहेगा? जाम रहेगा, पैक रहेगा. अगर सर्विक्स जब पैक रहेगा और यहाँ पे स्पर्म का सेक्रेशन होगा तो ये एंटर नहीं कर पाएगा. इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए होना चाहिए, इस सर्विक्स को लूज होना चाहिए, गैप होना चाहिए, ताकि ये स्पर्म अंदर एंटर कर सके. और ये गैप यहाँ पे सर्विक्स में कब होता है? जब यहाँ से एग रिलीज होता है. जब यहाँ पे क्या होता है? एग रिलीज होता है, तब जाके यहाँ पे सर्विक्स लूज होता है और ये स्पर्म, क्योंकि यहाँ पे अब एग रिलीज हो गया, एक यहाँ पे या फिर यहाँ पे, दोनों में किसी एक प्लेस में आता है. और जैसे एग आता है, स्पर्म यहाँ से माइग्रेट करने लगता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और दोनों तरफ जाते हैं कि कहीं एक तरफ उसको ओवम मिलेगा और वहां पे वो जाकर फर्टिल कर देगा. समझ में आ रहा है? बाय दिस पॉइंट हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि वजाइना इज द एंट्री पॉइंट ऑफ स्पर्म. उसके बाद आते हैं छोटा सा रीजन जिसको हम कहते हैं सर्विक्स. उसके बाद जो कैविटी जहां पे बच्चा जो है ग्रो करता है, इसको हम कहते हैं यूटराइन कैविटी. इसको हम क्या कहते हैं? यूटराइन कैविटी. और पूरे इसको हम क्या कहेंगे? यूट्रस कहेंगे. क्या कहेंगे? पूरे इस एरिया को हम कहेंगे यूट्रस. इसको हम यूट्रस कहते हैं या फिर हम इसको वूम्ब भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? गर्भ. इसको हम क्या कह सकते हैं? गर्भ कह सकते हैं, उम्ब कह सकते हैं. ठीक है, गर्भ है हमारा, ठीक है, फीमेल का. तो ये क्या है? यूटरस. यूटरस ये क्या है? यूटरस है, या हम इसको कहेंगे यूटराइन कैविटी. ठीक है, ये जो फिंगर, ये जो ये फिंगर लाइक यहाँ पे आया, ये जो हमारा हाथ जैसा स्ट्रक्चर आया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब. इसको क्या कहेंगे? फैलोपियन ट्यूब. इसका एक और नाम है ओविडक्ट. इसका एक और नाम है ओविडक्ट, या फिर हम इसको कहेंगे फैलोपियन ट्यूब. समझ में आया? क्या कहेंगे? फैलोपियन ट्यूब. अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है वो क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट है. इसके दोनों तरफ ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं फैलोपियन ट्यूब के एंड में, और इसको हम कहते हैं फिम्ब्रिया. इसको हम कहते हैं फिम्ब्रिया. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मान के चलिए ये आपको क्या आया? ये आपका आया फैलोपियन ट्यूब. फिर आएंगे यहाँ पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फिम्ब्रिया. क्या कहेंगे इसको? इसको हम कहेंगे फिम्ब्रिए. समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना. बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको हम कहेंगे फिम्ब्रिए. अब हाँ बोलो. समझ में आ रहा है? ओके. उसके बाद बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, नहीं तो अब तक तो खत्म हो गया होगा. बहुत ही स्लो चल रहा है ना, थोड़ा तबीयत भी इधर डाउन है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा धीरे धीरे ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए. दैट इज द मेन मकसद ऑफ माइंड. ठीक है, ये क्या है? फिम्ब्रिए. ये क्या है? फिम्ब्रिए. ऑल राइट. अब यहाँ पे जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो इससे के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ, इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को, इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओवरी. इसको हम क्या कहते हैं? ओवरी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है? क्यों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ओवम जो फीमेल गैमीट होता है, हमने बताया था, बताया था ना, ओवम क्या होता है? ओवम होता है फीमेल गैमीट. ओवम का जो प्रोडक्शन होता है वो इसी ओवरी से होता है, ठीक है, इसी
ओवरी से होता है. सो ओवरी क्या करता है, ओवरी ओवम को प्रोड्यूस करता है. ओवरी क्या करता है, ओवम को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, ओवम क्या है, ओवम है फीमेल गैमेट. ओवम क्या है, फीमेल गैमेट. क्लियर है, ओवम क्या है, फीमेल गैमेट है. समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना. ओके नाउ ये क्या होता है कि हर महीना, जैसे मान के चलो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, ये क्या है, महीना है. अब इस महीना में क्या होता है कि एक बार अगर एग, ठीक है, एक बार अगर एक इस जनवरी महीने में इस तरफ से एग निकला तो फरवरी महीने में इस तरफ से निकलेगा, मार्च महीने में इस तरफ से निकलेगा, अप्रैल महीने में इस तरफ से निकलेगा, मई महीने में इस तरफ से निकलेगा, जून महीने में एग इस ट्यूब्स ओवरी से निकलेगा, ऐसे जुलाई में यहां से निकलेगा, से सितंबर, अक्टूबर में यहां से, नवंबर और दिसंबर में फिर पे. मतलब एक है कि क्या होता है, यहां से रिलीज होता है तो हर महीने अलग अलग ओवरी से एग रिलीज होता है, कभी यहां से, कभी यहां से, कभी यहां से, कभी यहां से, अलग अलग महीना में अलग अलग ओवरी से एग निकलता है. ठीक है, और एक निकल कर कहां तक जाता है, सिर्फ यही सी जगह तक जाता है, इसको हम कहते हैं एम्पुला. इसको हम कहते हैं एम्पुला, AMPULLA, एम्पुला, या सिंगल एल या डबल एल, एम्पुला. तो यही वो जगह है, ठीक है, कौन सा जगह, यही वो जगह है जहां पे ये आता है. तो ये क्या है, ये हमारा ओवी डक्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये ओवरी है. इस ओवरी से हमारा यहाँ पे ओवम निकलेगा और यहाँ पे आ जाएगा, इस ओवरी से अगले महीने निकलेगा और फिर यहाँ आ जाएगा. और ये रीजन को हम क्या कहते हैं, इस रीजन को हम कहते हैं, इस रीजन को हम कहते हैं ओविडक्ट, सॉरी एम्पुला. क्या कहते हैं इस रीजन को, या फिर इस रीजन को हम कहते हैं एम्पुला. समझ में आ रहा है. ओके नाउ क्या होता है कि एग रिलीज होता है, ठीक है, हमारा जो ब्रेन होता है, हमारे क्या होता है, हमारे ब्रेन होते हैं, ठीक है, ब्रेन क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन में बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, ग्लैंड होते हैं, और क्या होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, और हमारे जो ग्लैंड हैं, ठीक है, हमारे ग्लैंड है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्लैंड है, कौन सा, ये वाला, कौन सा, ये वाला ग्लैंड. ये जो हमारा ग्लैंड है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड. फिर दूसरा ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, ये वाला ऊपर वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला ग्लैंड, हम इसको कहते हैं हाइपोथैलामस. क्या कहते हैं, हाइपोथैलामस. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो स्टोरी हम सुनाने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, प्लीज इसको याद रखिएगा. क्या होता है, ये जो रीजन है इसको हम कहेंगे हाइपोथैलामस, ये जो ये यहां तक पूरा रीजन को हम क्या कहेंगे, हाइपोथैलामस. उसके बाद उसके जो नीचे हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे, ये रीजन को हम क्या कहेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड कहेंगे. हमारे पूरे बॉडी को, ठीक है, पूरे बॉडी नहीं, मैक्सिमम एरियाज को बॉडी के, यही दो ग्लैंड, ये जो दो ग्लैंड हैं,
यही दो ग्लैंड कंट्रोल करते हैं। इसीलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं पता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम इस ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। और इस मास्टर को भी कंट्रोल करने वाला कोई है, हाइपोथैलेमस। इस ये जो हाइपोथैलेमस है इसको कंट्रोल करता है, और इसीलिए हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अगर मान के चलिए बच्चे आप लोग क्या हैं, आप लोग मास्टर हैं, है ना, मास्टर हैं, तो हम आपके मास्टर हैं, है ना, हम आपको चला रहे हैं, हम आपके मास्टर हैं, तो हमें क्या कहेंगे आप लोग? मास्टर ऑफ मास्टर स्टूडेंट्स, है ना, मास्टर ऑफ मास्टर स्टूडेंट्स। आप लोग मास्टर स्टूडेंट हो, और आपके अगर हम मास्टर हैं तो हम क्या कहलाएंगे? मास्टर ऑफ मास्टर स्टूडेंट्स। क्लियर है, समझ में आया? वैसे ही हमारे पूरे बॉडी को चलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसको चलाता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इसलिए ये मास्टर ग्लैंड है और ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। हम ये क्यों ग्लैंड के बारे में क्यों बताने लगे हम शरीर के बारे में? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए हमने बताया। याद हुआ, मतलब समझ में आया? बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया? Yes, sir. सबको समझ में आया? कॉपी करना चाहते हो कर लो। समझ में आया कि नहीं बोलो भाई, सब बोलो, मुंह खोलो, सब अपना अपना मुंह खोलो। सो रहे हो क्या सब? लगता है सब सो रहे हैं यहाँ पे। नो सर। नहीं नहीं सो रहे सर, समझ में आ रहा है। नहीं नहीं सब गारंटी सो रहे हैं यहाँ पे। कर्तव्य, कर्तव्य, नींद नहीं आ रही है ना सर? हम ही तो बोल रहे हैं। आप ही बोल रहे हैं, सॉरी यार, कर्तव्य हमें नहीं दिख रहा था। हम बोल रहे हैं सर, सर हम बोल रहे हैं। पहले आप बोले, चलो कर्तव्य, कोई बात नहीं, कोई बोले बोलना चाहिए। I'm so sorry. Okay, चलो थोड़ा तबियत ना नाजुक है। I'm so sorry. Next, अनिश सिंह, आप बताइए, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. आलोक रंजन, आलोक रंजन, आलोक रंजन, ओ आलोक रंजन, सो रहे हैं क्या? अगर या सर कोऑर्डिनेटर तो जी, आलोक रंजन सो रहे हैं, क्या फोन करके उनको जरा अच्छे से समझा दीजिए, क्लास में सोना मना है। आलोक रंजन सो रहे हैं? हाँ सो रहे हैं, पक्का सो रहे हैं, नोट कर लीजिए, हम आपको बताते हैं। आदित्य कुमार सिंह, समझ में आया? यस सर, यस सर। हाँ हाँ। अक्षत सिंह, यस सर। अंशुल, यस सर। ऑल राइट, अंशुल ने कुछ चैट बॉक्स में कुछ भेजा है, सर आपको कोरोना हो गया है। हे भगवान, क्या बोल रहे यार अंशुल, ऐसा मत बोलो, ठीक थी, इसका मतलब क्या कोरोना हो गया है? हमारे कोरोना हमें नहीं, लेकिन हमारे चाचा को, हमारे भाई को, भतीजे को बहुत मतलब बुरी तरह से चपेट में है, सब सबको कोरोना हो गया है। एनीवेज, आर्या भारद्वाज, समझ में आया? यस सर। आर्या, लड़के हैं आप? यस सर। ओके ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट, आशुतोष कुमार सिंह, समझ में आया? आशुतोष, कनिष्क राज, यस सर। ओके, प्रत्युष श्रीवास्तव, प्रत्युष,
वॉइस नहीं आ रहा है. स्वाति सलोनी. यस सर. बच्ची एकदम क्यूट है, वॉइस बच्ची जैसे लग रहा है. समीर आनंद. यस सर. सैयद अली अब्बास रिजवी. सैयद अली अब्बास रिजवी सर आप ही का नाम है. अंडरस्टूड सर. ओके ओके थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. थैंक यू सैयद. थैंक यू. चलो अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम है. ऑल राइट वेरी गुड. तो यहां तक सबको समझ में आ गया है. दैट्स फाइन दैट्स फाइन. चलो कंटिन्यूअसली हम लोग पढ़ लिए. एक काम करते अब पूछो आप लोगों को जो जो डाउट है अब हम लोग डाउट क्लियर करते हैं. बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे. ठीक है अभी हम लोग क्या करते हैं डाउट क्लियर कर लेते हैं. इज दिस हैपनिंग इन क्रिश. क्या क्रिश क्रिश क्या क्रिश भाई कौन सा क्रिश क्या क्रिश की बात कर रहे हो. मूवी. अरे भाई वो क्रिश क्लोनी नहीं है. वो क्रिश में जो हो रहा है ना वो उसको हम कहते हैं डबल एक्टिंग ट्रिपल एक्टिंग. एक ही इंसान को अलग अलग एक्टिंग करवाया जाता है ना. वो क्लोनिंग नहीं है. वो सिमिलर टाइप ऑफ जैसे बाप का बेटा एक ही जैसा दिखना चाहिए इसीलिए झूठ मूठ का बनाया गया है. मूवी के बाद वो में नहीं आना चाहिए. ठीक है वो सब मूवी मूवी है मूवी. उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है इसीलिए उसको हटा दीजिए. एक जैसे बहुत सारे प्रोड्यूस हो जाते हैं वो क्लोनिंग ही होता है. ठीक है एक जैसे जैसे रोबोट है. ठीक है रोबोट है तो रोबोट है तो रोबोट में आपको रोबोट 2.0 रोबो है रोबोडा रोबोडा करता नहीं है रोबो. तो जो रोबोट होते हैं वो क्या होते हैं कि मतलब एक जैसे बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं क्लोनिंग. तो वो क्लोनिंग ही है. वो एक तरह का क्या है क्लोनिंग करके ही प्रोड्यूस किया जाता है. लेकिन वो मूवी है तो मूवी छोड़ दीजिए. ठीक है चलो आगे. और कोई क्वेश्चन है यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले हमसे. सर क्लास खत्म हो गया. हाँ क्लास खत्म हो गया आप जा सकते हैं. थैंक यू. क्लोन ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स. एक्सटिंक्ट एनिमल्स का क्लोन हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स का क्लोन हम बना सकते हैं अगर उस एक्सटिंक्ट एनिमल्स का हमारे पास अगर डीएनए अगर मौजूद है मिल जाता है साइटोप्लाज्म मिल जाता है हमें तो हम बना सकते हैं. नहीं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. ठीक है वो क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा एल्गे. Any other question, please? Any other question? Cloning is asexual. Cloning is purely asexual. It's a type of asexual reproduction. Yes. Anything else? No doubt. कोई और है जो जिनको doubt है तो you can ask or you can leave. Thank you so much for joining. Sir, flower cloning because same flower in one plant? No. Actually वो cloning नहीं कहलाता है. वो genetically हमारा similar होता है. ठीक है जैसे asexual reproduction flowering plant में जो है वो sexual reproduction होता है. ठीक है वहां पे asexual reproduction नहीं होता है. Flower is a sexual part of the plant. जो क्या होता है एक जैसे जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं. ठीक है
दूसरा फ्लावर एक जैसा नहीं होता, उनमें जेनेटिक डिफरेंस होते हैं। क्लोनिंग वो होता है जिनमें जेनेटिक डिफरेंसेस ना हो, मे भी हो सकता है साइज में वेरी करता हो, या हो सकता है कि थोड़ा बहुत कलर का वेरी कर रहा हो, या नंबर ऑफ एंजियोस्पर्म, नंबर ऑफ हमारे जिम्नोस्पर्म ये वेरी कर रहा हो, नंबर ऑफ गैमेट वेरी कर रहा हो, तो इट्स डिपेंड। तो जेनेटिक में उसमें वेरिएशन होगा, भले मॉर्फोलॉजिकली हमें लग रहा है कि सिमिलर है लेकिन वो होगा नहीं, ठीक है। Cloning can be done in all kind of organism. Of course, we can do it in any kind of organism. Cloning can be done. Trees के भी हो सकते हैं, लेकिन वो tree जो है वो देखना पड़ेगा कौन सा cell है। ट्री में भी किया जा सकता है, ऑफकोर्स। क्लोनिंग जैसे हम लोग करते हैं ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रीज में नहीं, प्लांट्स में होता है, जैसे जिसमें नोड्स होते हैं। नोड्स से हम लोग क्या करते हैं, जैसे शुगर केन है, शुगर केन के नोड और इंटर नोड से हम लोग क्या करते हैं, नए नए शुगर केन को उगा देते हैं। सो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हमने बताया था, राइट। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो वो भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्लोनिंग इसलिए इलीगल है अनिश, कि क्लोनिंग ह्यूमन का इलीगल है, जैसे कि क्लोनिंग हम ह्यूमन का नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये हो सकता है ना कि ये इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है, लेबोरेटरी कंडीशन में किसी इंसान को रखने से जान भी जा सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है इस वजह से। ये और भी बहुत सारे इसके जो है प्रॉब्लम्स है, ठीक है, ह्यूमन में क्लोनिंग करने का, इसलिए क्लोनिंग इलीगल है ह्यूमन का, ठीक है। और कुछ ही ऑर्गेनिजम्स है, सारे ऑर्गेनिज्म में क्लोनिंग नहीं कर सकते, कुछ ऑर्गेनिजम्स है जिसमें कि रिसर्च के लिए अप्रूवल मिला है, सारे ऑर्गेनिज्म में हम लोग नहीं ट्राई कर सकते, बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज में आते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए, और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सर, बाय।